साबित करते रहते हो हर वक्त। जिन लोगों के पास बहुत सा पैसा अचानक आ जाता है उनके साथ यही होता है। कपड़े बहुत अच्छे पहन लेते हैं लेकिन संस्कार वही रहते हैं। सर अच्छा, और तुम्हारी औकात? अपनी औकात के बारे में आपका क्या ख्याल है मिस्टर करण सिंह? कंगाल तुम कल भी थे और आज भी हो। देखो महीन, तुम जरा जाकर रंजना देवी से मिला करो। क्यों, मैं भाभी से क्यों मिलूं? डोंट यू मीन ओके, इट्स अ फैमिली मैटर। तुम एक बात बताओ, तुम भाभी की फैन कब से बन गई? तू मेरा बेटा है तो ये भी तो मेरा बेटा है। प्लीज ऋषभ, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, उसे अपना बड़ा भाई मान ले। क्या कहा तुमने? तुम्हारे इस नाजायज औलाद को मैं अपना बड़ा भाई मान? क्यों रंजना देवी, क्यों? 20 साल तुम्हारा बेटा बने रहने की क्या यही सजा है? मैं एक आंख के बजाय एक आंख नहीं दो आंखें लेती हूँ, एक हाथ के बजाय दो हाथ। रंजना देवी के मुंह से हर किस्म की गाली सुन चुकी थी। देविका के फेर में फंस गई। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, समझे केडी? मैं डरा नहीं रहा हूँ, एहसास दिलवा रहा हूँ। तुम्हारी जैसे इंटरेस्टिंग चीज को मैं छोड़ने को तैयार नहीं हूँ स्वीटी पाई। लेकिन मैं तुम्हारे जैसे घटिया आदमी के साथ डिवोर्स लेकर रहूंगी, समझे? तुम वहाँ नहीं जाओगे, एंड दैट्स इट। और मैं भी देखता हूँ तुम मुझे रोकती कैसी हो। टाइम स्टॉप मी, टाइम स्टॉप मी। शीला, माय गॉड, शीला, 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 ये क्या हुआ? हुआ नहीं है महन, करवाया है केटी ने। केटी ने? मगर क्यों? महन, केटी नाम के गलत फैसले ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना कर रख दी है। क्या क्या नहीं सहा मैंने उस आदमी के लिए, लेकिन अब वो रिश्ता मेरे लिए एक जुर्माना बन चुका है। न जाने कितनी और किस्तें चुकानी है मुझे उसके लिए। तुम्हें यकीन है ये काम केडी का ही है? हाँ मैं, अभी अभी उसका धमकी वाला एक फोन भी आया था। डोंट वरी, रिलैक्स, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं, मैं केडी से अपने ढंग से निपटना चाहती हूँ। उसके गुनाहों का काला चिट्ठा खोलकर जब तक मैं उसके एक एक गुनाह का बदला ना ले लूँ ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर वो तुम्हें इस तरह परेशान क्यों कर रहा है? आखिर चाहता क्या वो तुमसे? उसे मेरे उससे डिवोर्स लेने पर एतराज है। बहन, तुम नहीं जानते, वो एक ऐसा खूंखार जानवर है जो सिर्फ अपने शिकार का गोश्त ही नहीं खाता बल्कि उसकी एक एक हड्डी को चूस कर चबा कर फेंक देता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो इतना बड़ा रिस्क मोल लेकर। देखो शीला, एक तो तुम औरत हो और दूसरा तुम अकेली हो। बहन, उसने जो मुझे अकेला तन्हा बना दिया है ना, यही उसका सबसे बड़ा जुर्म है। मेरे पास एक महेन हुआ करता था, वो मेरा महेन उसे न छीनता ना, तो मैं उसके सारे गुनाह माफ कर देती। अरे केडी, तो क्या मुझे सारी जिंदगी से कोई शिकवा नहीं होता? अकेली तो मैं पहले से थी, लेकिन मेरे लिए जीना मुश्किल तब हुआ जब तुम मुझसे छूट गए। महेन, मैं बहुत अकेली हूँ। महेन, मैं तुमसे एक बात बता देना चाहती हूँ, मैं रहूंगी तुम्हारे आसपास ही, भले इसके लिए मुझे तुम्हारी नफरत झेलनी पड़े। शीला, वो नफरत एक ढोंग था। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत से प्यार किया है, सच्चा प्यार, और वो तुम हो शीला।
तुम्हारी यादों के सहारे ही मैं जिंदा हूं अब तक, बिलीव मी। जाइए रंजना देवी, जाइए वापस अपने घर, जाइए एक डिक्शनरी उठाइए और उसके अंदर मां की डेफिनेशन पढ़ लीजिए। ये कोई लेबल नहीं होता जो उठाकर चिपका लिया अपने सर पे, एक तपस्या, एक जिम्मेदारी का नाम होता है ये, एक ऐसी जिम्मेदारी जो हर मां बच्चे को जन्म देने से पहले उठाने का फैसला कर लेती है। क्यों बेटा, मैंने तेरी जिम्मेदारी नहीं उठाई क्या? मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा नहीं किया? रंजना देवी अक्सर मुझे इस बात का ताज्जुब रहा है कि जब कभी मेरे सपनों में मेरा बचपन आया है तो उसमें आप कभी नहीं आई हैं। डैडी तो अक्सर आ जाते थे लेकिन आप कभी नहीं आई हैं। और तो और, जब मैं बैठकर अपने बचपन के बारे में सोचता भी हूं तो आप मुझे दूर दीवार पर लगे पिक्चर फ्रेम की तरह नजर आती है, बिल्कुल बेजान। ममता, प्यार, मोहब्बत, इन चीजों का तो नामो निशान तक नहीं। रंजना देवी, एक बच्चे को जन्म देना बहुत आसान होता है लेकिन सही माने में उसकी मां बन पाना यह हर औरत के बस की बात नहीं है, और खास करके आप जैसी औरतों के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। मेरी एक सच्चाई सुनकर तूने मां को मां बनने के लायक नहीं समझा ना? मेरी सारी सच्चाई सुनने के बिना तू मेरे कैरेक्टर किसी कैटेगरी में कैसे डाल सकता है? अगर तुझे फैसला करना ही है ना तो तुझे मेरी हर एक सच्चाई को सुनना पड़ेगा। बस करो रंजना देवी, बस करो और मुझे माफ करो। तुम्हारी एक सच्चाई को सुनकर मेरा रिश्ते से जी भर गया है। तुम्हारी और सच्चाइयों तो मैं तब सुनूंगा जब मुझे इस रिश्ते को दोबारा बनाने की कोई उम्मीद होगी या कोई गुंजाइश नजर आएगी। वाह बेटा, मेरा बेटा होकर मेरी छोटी सी गुनाह के लिए मुझे सूली पे चढ़ाएगा तू? रंजना देवी जी शायद आप नहीं जानती लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते जो बहुत गहरे और बहुत पाक होते हैं, खास करके एक मां और बेटे का रिश्ता। ऐसे रिश्तों में छोटे से छोटा गुनाह बहुत बड़ा लगने लगता है। ऐसे रिश्तों में जख्म पहुंचाने के लिए बड़े तलवार या बंदूक की जरूरत नहीं पड़ती। बस आपके जैसी मां 20 साल बाद अपने इकलौते जाहिज बेटे को जब यह कहती है, यह सच्चाई सुनाती है, वो तो वैसे ही मर जाता है। वो मुझे मालूम है मैंने गुनाह किया लेकिन मैंने इसका असर तुझ पे कभी आने नहीं दिया। क्या उस बच्चे पर असर नहीं होगा जिसके बाप को तुमने इतने सालों से इतना बड़ा धोखा दिया है? जिस प्यार पर उस बच्चे का हक था उस प्यार को तुमने चोरी छुपे अपने नाजायज औलाद को दे दिया? मिसेस रंजना देवी, इस बच्चे ऋषभ मल्होत्रा को आपके प्यार और ममता ने नहीं, मिस्टर केशव मल्होत्रा की दौलत ने पाल पोस कर बड़ा किया। आपके फर्ज को पगार पाने वाले मामूली नौकरों ने नौकरी की तरह निभाया है, बस और कुछ नहीं। ये सच नहीं है? ये सच है मां, और ये बात कितनी सच है आज मुझे पता चला। क्या पता चला? मैं देख रहा हूं मां कि जब से करण मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में आया तुम किस तरह उस पर प्यार लुटाती जा रही हो। उसे देखते ही तुम्हारी आंखों में प्यार छलक आता है और ये पिछले 20 सालों से होता रहा होगा, महसूस तो मुझे आज हो रहा है। और जब मैंने करण को 25 साल के लिए अपने आप से जुदा रखा किस लिए? इसीलिए ना कि तेरे परवरिश में कोई कमी पैदा ना हो? झूठ। अरे सारे बहाने हैं अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, तुम बहुत चालाक हो मां। तुम्हें दोनों चीजें चाहिए थी, अपनी नाजायज औलाद और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की जायज दौलत। दौलत? अरे बेटा, जितनी दौलत मैंने बचपन में देखी है ना, मल्होत्रा खानदान सपने में सोच भी नहीं सकता। तो तू दौलत के बारे में मुझसे कभी बात मत करना, बल्कि मुझे तो केशव मल्होत्रा में भी कभी इंटरेस्ट नहीं था। क्या कहा तुमने? तुम्हें मेरे डैडी में इंटरेस्ट नहीं था? तो फिर उनके साथ तुमने शादी क्यों की? मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी, मुझे जबरदस्ती करवाई गई थी। झूठ बोल रहे हो तुम। अगर शादी जबरदस्ती करवाई गई थी तो क्या मुझे भी तुम्हारी कोख में जबरदस्ती डलवाया गया था? बोलो मां, जवाब दो। तुम क्या जवाब दोगे? जाके ये बातें किसी ऐसे आदमी को सुनाना जो तुम्हें अच्छी तरह से जानता ना हो, क्योंकि वो एक बार इस बात पर विश्वास कर लेगा। लेकिन अब इसे मेरी बदकिस्मती कहिए या मेरे पिछले जन्म के पाप, मैंने आपके साथ 20 साल गुजारे हैं और अब मैं आपको अच्छी तरह से जान गया हूं। रंजना देवी, आपने मेरे साथ
और मेरे बाप के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, बहुत बड़ा धोखा। और तेरे बाप ने जो मेरे साथ किया है उसका क्या? मुझे उसने कभी अपनी पूरी पत्नी समझा? क्या कमी थी मेरे में जो स्वेतलाना के पास चला गया? तो स्वेतलाना, 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 एक तरफ स्वेतलाना और एक तरफ बाप रंजना देवी, कोई फर्क नहीं, तुम दोनों में बिल्कुल एक जैसी हो तुम। जय, तुम मुझे स्वेतलाना से कंपेयर कर रहे? क्यों? लगा रहे दिल किनारे से, कभी तो लहर आएगी। लहर तो आ गई। तुम? हाँ, वही लहर जिसका तुम्हें इंतजार होना चाहिए। पर तुम्हें देखकर ऐसे लगता है जैसे लहर नहीं तूफान आ गया। डार्लिंग, अपनी पत्नी को इस तरह देखकर कोई शरीफ आदमी चौंकता नहीं है। रेनु, कट दैट क्रैप आउट। तुम वापस कैसे आ गई? वैसे ही जैसे गई थी, फ्लाइट लेकर वापस आ गई। तो मुझे कम से कम इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। मैं तुम्हें प्लेजेंट सरप्राइज देना चाहती थी डार्लिंग, लेकिन लगता है ये सरप्राइज प्लेजेंट नहीं रहा। मुझे देखकर तुम खुश नहीं हो। मेरे फेस का एक्सप्रेशन है ना, वही मेरी फीलिंग्स हैं, समझी? वैसे भी जब आजादी छिन जाती है तो खुशी किसे हो सकती है। रेनु, तुम्हें इस तरह बिना बताए नहीं आना चाहिए था। अगर मैं तुम्हें बताती तो क्या तुम मुझे आने देते? चाहे नहीं भी आने देता, पर यूं जबरदस्ती आके तुम्हें कोई फायदा नहीं है। फायदा तो हो चुका है। क्या फायदा? आज मुझे पहली बार पता चला कि मेरा हस्बैंड कितना रोमांटिक आदमी है। क्या रोमांटिक? जब तुम फोन पर स्वेतलाना से खुसर पुसर कर रहे थे ना, तो मुझे पता लगा कि तुम बहुत ही रोमांटिक आदमी हो। तुमने फिर से अपनी पुरानी हरकतें शुरू कर दी। ओफो, चिल्ला मत डार्लिंग, मैं कोई इशू थोड़ी बना रही हूँ। यू बेटर नॉट मेक एनी इशू आउट ऑफ दिस। आइंदा ऐसा मत करना, क्योंकि आइंदा तुमने दिल्ली से आने की कोशिश भी की ना तो जबरदस्ती भी नहीं आ पाओगी, समझी? एंड गुड नाइट। गुड नाइट। क्यों? अगर मैं तुम्हें स्वेतलाना के साथ कंपेयर ना करूं तो फिर किसके साथ कंपेयर करूं? सीता मैया या फिर सती सावित्री? मैंने कभी सीता मैया या सती सावित्री होने का दावा नहीं किया है। जितनी गिरी हुई औरत स्वेतलाना है ना, मैं उतनी नहीं। रंजना देवी, जो एक बार नजर से गिर जाता है वो बस गिर जाता है, उसके बाद झुक कर ये नहीं नापा जाता कि कौन कितना गिरा हुआ है। तो अब तुम स्वेतलाना को और मुझे एक ही तराजू में तोल रहे है ना? अरे पागल, अगर हमारी जिंदगी में स्वेतलाना नहीं होती ना तो जिंदगी सफल हो जाती। एक बात बताओ रंजना देवी, शायद आपको कड़वी लगे क्योंकि सच है, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि डैडी की जिंदगी में आप ना होकर अगर सिर्फ स्वेतलाना होती तो उनकी जिंदगी कहीं ज्यादा बेहतर होती, और मेरी जिंदगी में आप और आपका वो नाजायज बेटा ना होता तो मैं कहीं ज्यादा सुखी होता। और अगर मेरी जिंदगी में करण मेरा जायज बेटा होता ना तो मैं तो बहुत ही खुश हो जाती, क्योंकि तू और तेरे बाप ने मेरी इज्जत कभी नहीं की। लेकिन फर्ज करो, अगर मिस्टर केशव मल्होत्रा ने तुम्हें अपनी पत्नी का और मैंने मैंने तुम्हें अपनी मां का स्थान नहीं दिया तो वो सिर्फ इसलिए कि तुम कभी उस लायक थी ही नहीं। हो सकता है कि ये रिश्ता तुम दोनों डिजर्व करते नहीं हो, करण करता है, इसीलिए तुम्हें करण से प्यार करती हूं। आज तक एक बार उसने मेरे साथ बदतमीजी नहीं की, हालांकि मैंने उसे अपने आप से दूर रखकर उसके साथ नाइंसाफी की। तो क्यों की तुमने ये नाइंसाफी? हम लोगों को छोड़कर चली गई होती अपने लाडले करण के पास, जब कोई रिश्ता था ही नहीं तो क्यों जमी रही यहां पर? अपनी सारी उम्र यूं ही गवा कर चली जाती। केशव मल्होत्रा ने मेरे साथ जो किया है उसका हिसाब कौन देता? ओह, आई सी, तो बात अब हिसाब की है। बोलिए रंजना देवी, कितना हिसाब निकलता है आपका? मैं दूंगा अगर आज भी आप यहां से चली गई तो। करण और मैंने इतने साल जो दुख झेले हैं ना, मुझे उसकी कीमत चाहिए।
कीमत बोलिए रंजना देवी, कीमत बोलिए। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में करण का हिस्सा। व्हाट, आर यू सीरियस? रंजना देवी, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज नाजायज रिश्तों में बटने वाली कोई चीज नहीं है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अपने बाप के नाजायज रिश्ते को तो कंपनी का चेयरपर्सन बना दिया है और मां के नाजायज रिश्ते को कुछ नहीं। मैं करण को उसका हिस्सा दिलवा के रहूंगी। ठीक है, आप कोशिश करके देख लीजिए और मैं भी देखता हूं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में से एक फूटी कौड़ी भी करण को नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है। महेन बोल रहा हूँ। शीला रानी से जो किस्से सुनने थे सुन चुके। देखो देविका, अगर इस लहजे में बात करनी है तो मैं फोन रख रहा हूँ। बाहर रेस्टोरेंट में खाने का निमंत्रण मिले तो घर का खाना क्यों अच्छा लगेगा? क्या बकवास कर रही महेन, तुम एतराज तो इस तरह कर रहे हो जैसे कि उसके आंसू पोंछने के अलावा तुमने और कुछ नहीं किया। घर खाना खाने आ रहा हूँ या वही अपने पुराने रेस्टोरेंट में खा के आओगे? आज रात मैं घर नहीं आ रहा हूँ। That's interesting. दो चार बार रात में खाना खाओगे तो बदहजमी हो जाएगी और वो भी बाहर का खाना। Just shut up, Devika. For once, just shut up. थैंक यू महेन। ये तसल्ली, ये सुकून, क्या हम हमेशा ऐसे नहीं रह सकते? आई सिंसियरली होप ऐसा ही होता। शीला, जानती हो तुम्हारे साथ इतने अच्छे लम्हे गुजारने के बाद जब मैं वापस जिंदगी में कदम रखता हूं तो ऐसा महसूस होता है जैसे खामखाए हम परेशानियों को मोल ले रहे हैं, दुख दर्द को मोल ले रहे, जिसका नतीजा सिर्फ जीरो होता है। इन्हीं खूबसूरत लम्हों का नाम अगर जिंदगी हो तो कितना अच्छा। सच में इतने वक्त तक हम अलग अलग रहे, आखिर क्या हासिल हुआ उससे? कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल। बस यूं समझ लो कि गुजरे हुए वक्त की यादों को खर्च कर रहे थे। जब कंगाल हो गए वापस एक दूसरे की बाहों में आ गए, खुशियों की जागीर को बटोरने। सच बताऊं महेन, तमाम उम्र में जितने भी दिन मैंने तुम्हारे साथ गुजारे हैं ना, बस उतने ही दिन जीने लायक थे मेरे लिए। बाकी दिन तो बस बर्दाश्त किए हैं मैंने। जानता हूं, जानती हूं शीला, मेरी बदकिस्मत और बदशकल जिंदगी को तुम्हारी मोहब्बत ने शक्ल दी है। मैंने प्यार सिर्फ तुम्हीं से किया था। किया था यानी आपने अभी तक मेरे गुनाह को माफ नहीं किया? डोंट बी सिली। जानती हो अगर मैं तुम्हें माफ नहीं करता तो फिर जिंदा कैसे रहता? मेरे लिए बहुत बड़ी सजा हो जाती। मुझे पूरा यकीन था तुम एक दिन जरूर वापस आओगी। मेरे इस यकीन को सबने तोड़ने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, यहां तक कि निशी, मेरे दोस्त, सभी लोग ये कहते थे कि शीला का प्यार एक ढोंग है, फरेब है, नाटक है। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मुझे मालूम था तुम्हारा प्यार सच्चा था और तुम जरूर वापस आओगी। महीन, प्यार का ढोंग करने के लिए भी प्यार का तजुर्बा हासिल करना जरूरी होता है। तुम मेरा पहला प्यार थे। ये बात अलग है कि तुमसे प्यार करने के बाद मैं प्यार करने का ढोंग करना बहुत अच्छी तरह सीख गई और शायद अभी भी मैं वही कर रही हूं।
रियली मैं ऐसा नहीं समझता। मैं जानता हूं कि तुम पहले भी मुझसे सच्चा प्यार करती थी और अब भी। अच्छा तो इतना विश्वास है आपको मुझ पे? तो फिर इसे साबित करके दिखाइए। Why not? बोलो कैसे? मुझे अपने बच्चे की मां बनने का दर्जा देकर। I'm sorry, Sheila. ये तो नामुमकिन है। It's just not possible. ऐसा करने के लिए तुम्हें एक नाजायज बच्चे की मां बनना पड़ेगा और ये मुझे गवारा नहीं। I'm sorry. Please forgive me. की छड़ी